हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं बाटा के फॉर्मल शू का, जिस पे प्राइस लिखा हुआ 999, जो कि मुझे फ्लिपकार्ट से 924 का पड़ा। तो बाटा एक इंडियन ब्रांड है और इसलिए मैंने इसके फॉर्मल शूज़ को ख़रीदा है। और चलिए तो देखते हैं कि शूज़ कैसा है। लेकिन चलिए इसके पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं बाटा के बारे में। तो बाटा को मैं बहुत पहले से यूज कर रहा हूँ और मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन इसके ये मैंने पहली बार है, मेरा ऑनलाइन कह सकते हैं एक्सपीरियंस है। और मैंने आपको सारा बिल दिखा दिया जो 924 का पड़ा, 899 या कुछ था, उसके ऊपर 75 डिग्री चार्ज। तो ये रहा अपना शूज़ और इसको मैंने कर लिया अनबॉक्स। तो पहले निकाल दोनों शूज़ को बाहर और बस ये एक रेपर। एशियन शूज़ में क्या होता है, उन लोग एक कैरी बैग भी देते हैं एशियन में और स्पार्क में। तो पहले कर लेते हैं इसको अनरैप और फिर सारे पुस्तकें निकाल लेते हैं। अब देखते हैं हमें पहले इसकी सोल की क्वालिटी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। लेकिन मैं इसकी सोल की क्वालिटी से एकदम नाखुश हूँ, क्योंकि इसका सोल इतना हार्ड दिया हुआ है, पूरा टक टक की एकदम आवाज़ आती है इससे। और जो सामने पोर्शन जो भी टच कर रहा हूँ वही बहुत ज़्यादा हार्ड है। और बाकी ऊपर का मटेरियल अच्छा खासा है, साइड साइड का अच्छा है, लेकिन जो इसका सोल है वो एकदम बेकार कह सकते हैं। और इसको जब हम मोड़ते हैं तो ऊपर से और नीचे कहीं आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप अंदर, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा वीडियो में, अंदर जो इसके पूरा क्रैक जैसा पड़ जाता है। तो मे भी हो सकता है कि कुछ ही दिन में वो ख़राब हो जाए, तो टूट सकता है अंदर से। और बाकी यहाँ पे बाटा की ब्रांडिंग दी हुई है और सोल की क्वालिटी से मैं एकदम डिसअपॉइंट हो गया हूँ। और जो इसकी ये फटफट वाली जो इसकी आवाज़ है वो एकदम अनोइंग लगती है। पीछे भी देखिए आप बाटा की ब्रांडिंग दी हुई है, जैसे खटखट की आवाज़ है पूरी, जैसे बूट होता है जो मजदूर पहन काम करते हैं उससे पूरी फीलिंग देती है। और ये इसका दूसरा वाला पेयर है, उसको हम निकाल देखते हैं सारी चीज़ें। ये कह सकते हैं कि ये शूज़ ओवरऑल अच्छा है, अगर आपको इसके सोल से कोई प्रॉब्लम ना होता आप ले सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत कुछ खास नहीं लगा और मैंने इसको रिटर्न भी कर दिया है। इसका जो लेवल उसमें भी 999 लिखा हुआ है। एक चीज़ में और आपको दिखाना चाहूँगा, इसका जो अंदर वाला जो कुशन का सिस्टम है, जब इसको हटा कर देखता हूँ तो पूरा निकल जाता है। अगर आप इसको हटा कर देखें, ऐसा होता है अंदर को एक दख्ती डाली गई बस, और इसके ऊपर से ये लगा दिया गया है। देखिए आप देख सकते हैं अंदर बस एक दख्ती सा लगा, एकदम हार्ड सी दख्ती है, और बस जस्ट उसके ऊपर हल्का सा एक फोम सा लगा दिया गया ताकि पैर में कोई चुभन जैसी ना हो। इसका जो कुशन दिया वो इसको उन्होंने स्टिच नहीं किया, बस चिपका दिया, जो कि देखने से पता चल जाता है। तो अब इसको हम कर देते हैं दोबारा से पैक, और इसको पैक करके करते हैं इसको साइड में। और अब आते हैं कॉन्क्लूजन पे। इसी कॉन्क्लूजन वाले पार्ट को मैं एक प्रोज और कॉन्स में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले इसकी प्रोज की बात करें तो सबसे पहले इसका लुक काफ़ी अच्छा है, और अगर किसी बड़े एज के इंसान को पहनना तो इसको पहनने से, पापा हो गए या फिर कोई टीचर है तो उसको ये इसको अच्छा लगेगा। और इसका लुक अच्छा है, फिनिशिंग उन्होंने बाहर से बहुत अच्छा किया है, और फिनिशिंग उन्होंने पूरा ओवरऑल अच्छा किया हुआ है। और अब इसकी बात करें कॉन्स की, तो सबसे बड़ा जो इसके प्रॉब्लम है वो है इसका सोल की क्वालिटी, तो पूरा हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है जो कि आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। इसके बाद जो इसकी दूसरी प्रॉब्लम है, ये इसका अंदर जो कुशन उन्होंने चिपका के दिया, अगर उसको स्टिच करते तो काफ़ी अच्छा रहता। और तीसरी जो मेन प्रॉब्लम इसकी, जो आप मतलब सबके लिए नहीं हो सकता है, मेरे लिए है, क्योंकि आप जब चलते हैं ऐसे पूरा ठक 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 की आवाज़ आती है, जो किसी किसी को पसंद होगा किसी किसी को नहीं पसंद होगा। तो ये था पूरा इसका रिव्यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसे ही अनबायस्ड वीडियो दे सकूँ। धन्यवाद।